सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में ड्रग विभाग की टीम ने दवा मंडी भलोटिया मार्केट स्थित अंश मेडिकल पर छापेमारी करते हुए ब्लैक फंगस के इंजेक्शन को ओवररेटिंग कर बेचने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया और दुकान को सील कर दिया। जिसके संबंध में गोरखपुर मंडल के सहायक आयुक्त औषधि सिराज अहमद ने बताया कि मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि ब्लैक फंगस का एम्फोनेक्स इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, जिसकी सूचना पर टीम भलोटिया मार्केट स्थित अंश मेडिकल स्टोर पर पहुंची, जहां पर 3700 के इंजेक्शन को 19,000 में बेचा जा रहा था, जिसको मौके पर ही पकड़कर पुलिस को सुपुर्द कर संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करवाया गया। वहीं ड्रग इंस्पेक्टर जय सिंह ने बताया कि इसमें दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त गजेंद्र पांडे MR है और यह अंश मेडिकल स्टोर के मालिक अमित कुमार जायसवाल के साथ मिलकर काम करता है। इसके अलावा दुकान के मालिक अमित कुमार जायसवाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया गया है तथा अंश मेडिकल को सील कर दिया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ड्रग इंस्पेक्टर जय सिंह, गोरखपुर मंडल के सहायक आयुक्त औषधि सिराज अहमद तथा सिटी मजिस्ट्रेट अभिरो रंजन श्रीवास्तव ने कहा। चलो आ जाओ महाराज, बहुत आसान कमा लिया वो। अरे आ जाओ, चलो चलो, हमारा काम हो गया। आप किस चीज से और कोई हाँ मैं गाड़ी कर रहे हैं, ये उसका लड़के का फोन है और ये जरूरी सामान हो इनका। जय सिंह, ड्रग इंस्पेक्टर गोरखपुर। आज हम लोग को सूचना मिली थी कि अंश मेडिकल स्टोर वाले जो हैं, अंश मेडिकल एजेंसी जो SM कॉम्प्लेक्स में है मलोटिया मार्केट में, उनके द्वारा एक व्यक्ति के माध्यम से जो एम्फोनेक्स इंजेक्शन है, काला ब्लैक फंगस में जो यूज हो रहा है आजकल, उसकी ब्लैक मार्केटिंग कराई जा रही है। और उनके द्वारा जो इंजेक्शन है जिसकी कीमत 3700 रुपये के करीब है, उसको 19,000 रुपये में बेचवाया जा रहा है। उसी के तहत कार्रवाई हुई है। इसमें दो लोग पकड़े गए हैं, एक गजेंद्र पांडे करके हैं जो कि एक कंपनी में MR थे जो इनके साथ मिलकर काम करते हैं, और दूसरे जो अंश मेडिकल एजेंसी के प्रोप्राइटर हैं अमित कुमार जायसवाल, इन दोनों लोगों को पकड़ा गया है और इनके विरुद्ध जो है FIR दर्ज कराया गया है कैंट थाने में। दुकान सील है? हाँ, दुकान सील कर दी गई है और अग्रिम कार्रवाई जो हमारे एक्ट के तहत है वो की जाएगी। एजाज अहमद, सहायक आयुक्त औषधि गोरखपुर मंडल। हाँ, अंश मेडिकल अच्छा था। प्राप्त सूचना के आधार पर पता चला था कि ब्लैक फंगस का इंजेक्शन, क्या नाम है जी इंजेक्शन, क्या नाम है, एम्फोनेक्स इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। तो मुखबिर की सूचना के आधार पर हम लोग पहुँचे वहाँ। पहुँचने पर उन्होंने, अंश मेडिकल वालों ने बताया कि एक व्यक्ति बेच रहा है वहाँ, हम भेज दे रहे हैं वहाँ, 19,000 रुपया देंगे तो एक इंजेक्शन मिल जाएगा। हम लोग वहाँ पहुँचे और उस व्यक्ति को गिरफ्तार किए, फिर अंश वाले को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, उसकी दुकान को सील कर दी गई है। इसके अलावा इनको FIR लिखा के जेल भेज दिया गया। फर्दर कार्रवाई हम लोग अपने स्तर से करेंगे और आगे भी छापेमारी जारी रहेगी इस तरह की। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके लिए क्या करें?
उनके लिए यही है कि वो जेल जाएंगे, पकड़ेंगे और जेल भेजेंगे उनको। सर भलोटिया इंस्पेक्टर उषा कुमारी के क्या मामला? देखिए, ये सूचना मिल रही थी कि जो भी ब्लैक फंगस का इंजेक्शन है उसको, पहली बात तो उसको ज़्यादा रेट पे बेचा जा रहा है और उसकी आर्टिफिशियल शॉर्टेज दिखाई जा रही है। तो दुकानदार ये कह रहे थे हमारे यहाँ ये इंजेक्शन नहीं मिलता है, पर ये सूचना मिली कि अंश ट्रेडर्स पे ये इंजेक्शन है और इसको बहुत ही ज़्यादा दाम पे बेचा जा रहा है। तो उसी क्रम में मेरी टीम द्वारा उनसे संपर्क किया गया, तो उन्होंने एक किसी दूसरे स्थान पर बुला के वहाँ पर इंजेक्शन देने की बात कही। और जो इंजेक्शन मार्केट में लगभग 3700 रुपये का मिलता है वायल, वो 19000 रुपए में देने के लिए वो तैयार हुए। तो वही जब इंजेक्शन हमारी टीम को दे रहे थे तो उसी समय उनके ऊपर छापेमारी की गई, उनको वहीं पे दबोचा गया। तो उसके बाद इन पे ड्रग इंस्पेक्टर के माध्यम से इन पे FIR कराई जा रही है और इन पे और भी कार्रवाई की जा रही है। इनकी दुकान को तत्काल प्रभाव सील कर दिया गया है। और ये एक मैसेज भलौटिया मार्केट और सभी जो विक्रेता हैं दवा के, उनको मैं फिर से देना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार से कालाबाजारी की या अगर आपकी ओवर रेटिंग की या ज़्यादा दाम रखने की, ज़्यादा दाम में बेचने की या आर्टिफिशियल शॉर्टेज दिखाने की अगर कोई टेंडेंसी या शिकायत प्राप्त होती है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर गिरफ्तार भी हुए? हाँ, इसमें दो लोग गिरफ्तार हुए हैं, एक जो दुकान है उसके मालिक हैं, उसके खिलाफ FIR लिखी जा रही है। और साथ में एक MR था वो, जो कि एक बीच का आदमी था जो कि ये सप्लाई कर रहा था, उसको भी पकड़ा गया है। तो दोनों ही लोग के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और आगे भी इसमें और कार्रवाई चलती रहेगी। दुकान को सील भी किया गया? हाँ जी हाँ, दुकान को सील किया गया है और बाकी इसका तार जोड़ा जा रहा है कि कौन इसका मेन सूत्रधार है, किसके थ्रू इनको इंजेक्शन मिलते थे और कैसे ये किस रेट पर बेचते थे, कहाँ कहाँ इन लोगों ने बेचा है, ये सब चीज़ों पर पहलुओं में जाँच हो रही है। जाँच के बाद इस पर और भी कड़ी कार्रवाई होगी।